हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था एक साथ करने का बहुत ही अनोखा तरीका। जो लोग बैचलर हैं या जिनके पास समय नहीं रहता है, ऑफिस जॉब पर जाना पड़ता है या काम पर जाना पड़ता है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो एक साथ ही सब कुछ बना सकते हैं और इससे एक बेनिफिट और भी है कि समय और गैस दोनों की बचत होती है। तो नॉर्मली भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है तुअर की दाल, एक कटोरा मैंने लिया है चावल और 5-6 मैंने लिए हैं आलू। सबसे पहले तो हम इन तीनों चीज़ों को वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। तो तुअर की दाल को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, 2-3 बार इस तरह से मसलते हुए साफ़ कर लेना है। और जो चावल हैं, चावल को भी आपको साफ़ करना है, लेकिन चावल को आपको हल्के हाथों से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो चावल इससे टूट जाता है और ऊपर से इसका जो मिनरल्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। इसलिए बिल्कुल हल्के लाइट हैंड से इसको साफ़ कीजिए और इसका एक दो बार पानी निकाल करके इसको दोबारा साफ़ कर लीजिए। तो मैं तीनों चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। आलूओं को भी आपको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो हम तीनों चीज़ों को 2-3 बार पानी निकालते हुए साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने तीनों चीज़ों को साफ़ कर लिया है, चावल, दाल और आलू। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है। तो मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का कुकर लिया है, आप छोटे साइज़ का भी ले सकते हैं। तो मैं पूरी फैमिली के लिए बनाने वाली हूँ खाना, इसलिए मैंने बड़े साइज़ का लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी तुअर की दाल, और मैंने एक कटोरी दाल के हिसाब से मैं इसमें डालूँगी करीब 1.5 कटोरी पानी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना गाढ़ी दाल या कितनी पतली दाल पसंद करते हैं, अपने हिसाब से पानी को मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल रहे हैं हींग, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है, थोड़ी सी हम डाल रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पर टाटा संपन्न का हल्दी पाउडर ले रही हूँ, ये बहुत हाई क्वालिटी का बिल्कुल रिच फ्लेवर वाला हल्दी पाउडर है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें नेचुरल्स ऑयल्स पाए जाते हैं जो हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अब आपको एक काम करना है कि इस तरह की आपके यहाँ कोई जाली हो तो आप जाली रख सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाली इसलिए रख रही हूँ ताकि जो हम अगला बर्तन रखने वाले हैं वो हमारा गंदा ना हो। अगर आपके यहाँ ये जाली नहीं है तो भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो चावल लिए थे, चावल को मैं एक कटोरे में डालूँगी। तो कटोरा इतना होना चाहिए कि चावल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए जितने हम चावल भरें। तो जितने मैंने चावल लिए हैं उतना ही मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक से अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच नींबू का रस, नींबू के रस से चावल एकदम वाइट बनता है, खिला खिला बनता है। और मैं यहाँ पर डालूँगी 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा मैं घी देसी घी डाल देती हूँ, इससे चावल चिपकता नहीं है, एक एक चावल बनता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इस कटोरे को हम रख देंगे इस जाली के ऊपर। तो अगर जाली नहीं रखी है आपने तो आप डायरेक्टली दाल के ऊपर भी रख सकते हैं। अब हमने जो आलू धो करके रखे थे उन आलूओं को हम इसमें डालेंगे। तो इसको डालने के 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट दाल में डाल सकते हैं, अगर छोटे साइज़ के आलू हैं तो किनारे पर आप इस तरह से डाल दीजिए, बस साफ़ कर लीजिएगा आलू को। तो जितने आलू आपके बन जाते हैं किनारे पर आप उनको वहाँ रख दीजिए, बकाया के आलू मैं आप बताती हूँ आपको कहाँ रखने हैं। तो आप इस तरह से एक प्लेट ढक दीजिए। तो अगर आप टिफ़िन ले रहे हैं तो उसका ढक्कन मत लीजिए क्योंकि वो पूरी तरह से लग जाता है। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं लेनी है जो बहुत टाइट लग जाए, तो प्लेट नॉर्मल आपको रखनी है। और बकाया के आलू मैं प्लेट के ऊपर रख देती हूँ। तो आप ढक्कन को हम बंद कर देंगे और कुकर को हम गैस में 2 से 3 सीटी आने तक रखेंगे, जैसे कि आपके कुकर में जितने में दाल पक जाती है उस हिसाब के आपको रखना है। तो चलिए हम कुकर में सीटियां आने देते हैं, जब सीटी आ जाए और इसका प्रेशर ख़त्म हो जाए तब हम इसको खोल करके देखेंगे। तो ये देखिए हमारी सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बनी है, मैं भी आपको चेक करा देती हूँ। तो ये काफ़ी गर्म है तो इसको आप अच्छे से निकालें। तो ये देखिए हमारे चावल पक चुके हैं, बिल्कुल ऊपर तक चावल आ चुके हैं, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है आपको, ये काफ़ी गर्म है, मैं इसको निकाल लेती हूँ अलग। इसी तरह से हम सारे आलू भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दाल में आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं।
हमने जाली भी निकाल ली है। और अब मैं आपको दाल को दिखा देती हूँ कि दाल हमारी पकी कि नहीं। ये देखिए दाल भी हमारी पक चुकी है। और चावल मैं आपको चेक करा देती हूँ चावल हमारे कैसे बने हैं। तो सबसे पहले तो आप आलू देख लीजिए, मैं आपको आलू दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे हमारे आलू उबले हैं, बहुत अच्छे से आलू उबल चुके हैं। अब मैं आपको चावल चेक करा देती हूँ कि चावल हमारे किस तरह से पके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया चावल पका है, एक एक चावल है, बिल्कुल चिपका नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया सफ़ेद चावल बना है, बहुत अच्छा बना है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलग से बनाते हैं, उसी तरह से बना है, आप देख सकते हैं पास से। और दाल भी हमारी बन चुकी है, तो बस इस आलू की हम चाहे तो सूखी सब्जी बना लेंगे या भर्त कर लेते हैं। और दाल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसे कि नॉर्मल हम करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, जीरा, और अब मैं लहसुन डालूंगी, हरी मिर्च, और इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भुनने देंगे। जब प्याज अच्छे से सुनहरी हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, और टमाटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, कुछ हल्दी हमने पहले से ही डाली हुई है, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा यहाँ पर काश्मीरी मिर्च, थोड़ा पानी डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से भुन जाएं। और इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से खुशबू ना देने लगे। तो मसाले हमारे बढ़िया से भुन चुके हैं। अब हमने जो दाल बना करके रखी थी उस दाल को हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए हमारी दाल फ्राई बन करके तैयार हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने दाल, चावल और सब्जी की व्यवस्था साथ में कर ली है, आप आलू का भर्त कर सकते हैं।